फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुकिंग जोन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दिल्ली की सड़कों पे मिलने वाले फेमस मटर कुलचे, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट तो होते ही हैं और सबको बहुत घर में पसंद आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 कप ये गेहूं का आटा लिया है, इसमें 1 कप ये दही डालेंगे, 1 छोटी चम्मच सोडा, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच लौंग तेल, नमक स्वाद के अनुसार। अब इसको पहले मिला लेंगे अच्छे से, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको बढ़िया सॉफ्ट डो लगा लेंगे। आटा गूंथ करके तैयार कर लिया मैंने। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा करके 1/2 घंटा के लिए इसको ढक के रख देंगे, जिससे बढ़िया फर्मेंट हो जाएगा ये। बस अब इसको ढक के रख दूंगी, आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। फेमस मटर छोले बनाने के लिए मैंने ये मटर लिया है, पीली मटर कोई भी मटर ले सकते हैं, ये वैसे ये मटर का ही बनता है ये। और इसका मैंने 1.5 कप लिया है। इसको रात भर पानी में भिगो दें, भिगोने के बाद सुबह फिर इसको पानी इसका निकाल करके दूसरा पानी डाल के कुकर में चढ़ा करके कम से कम 4 सीटी आने तक इसको बढ़िया पका लेंगे। हल्दी नमक थोड़ा सा डाल करके वो मैंने ये ऐसे तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। कुलचे के साथ जो मटर छोले बनते हैं, अब मैं वो तैयार करके आपको बताऊँगी। इसमें अब मैं डालूँगी आलू, मैंने लिए हैं ये 5 आलू लिए, उबले हुए आलू, इसको डाल दूँगी इसमें। इसको थोड़ा मिक्स कर लें इसमें। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्च थोड़ा सा, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सांभर मसाला, अमचूर पाउडर 1 चम्मच मैंने पानी में इसको उबल के लिया है, इसको डाल दूँगी। हींग थोड़ा सा, डाइजेशन के लिए हींग अच्छा होता है, बढ़िया 1 चुटकी लगभग इसको डाल दें। चाट मसाला भी इसमें बहुत ज़रूरी है, चाट मसाला। सारी चीज़ें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। धनिया पत्ती, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे उसके बाद फिर इसमें नींबू का रस डाल देंगे 1/2 चम्मच। अब बढ़िया मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को एक साथ, थोड़ा सा मैश करते हुए करेंगे। हाँ, ऐसे ही रहते हैं ना जो दिल्ली में स्ट्रीट फूड मिलते हैं। अब इसमें छोटे छोटे कटे हुए टमाटर इसको डाल दूँगी, प्याज कटे हुए हैं, इसके बिना तो अधूरा है ये। दिल्ली का एक ये फेमस स्ट्रीट फूड है। ये देखिए तैयार हो गया ना, एकदम चटपटा चाट जैसा बढ़िया लग रहा है, टेस्टी। ये हमारा तैयार हो गया। अब आगे हम कुलचे का रेसिपी देखेंगे। आगे अब हम कुलचा बनाने चलते हैं। आटा देखिए बढ़िया फूल गया है, इसका कुलचा तैयार करेंगे। अब इसको ऐसे ही बेलेंगे, थोड़ा इसको मोटा ही लेंगे और राउंड या ओवल जिस शेप में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ओवल करूँगी, ओवल अच्छा लगता है घर में सबको। आटा की जगह आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ इसलिए मैंने आटा लिया है। ये हो गया इतना बस, इसके ऊपर कलौजी लगाया है मैंने, थोड़ी सी धनिया पत्ती,
थोड़ा सा इसको और बेल लेंगे जिससे बढ़िया चिपक जाए इसमें ये। बस अब इसको हम सेकेंगे। इसी तरीके से और भी कुलचे बना करके तैयार कर लेते हैं। इसी थिकनेस का सारा बनेगा। तवा तो बढ़िया गर्म हो गया, इसमें अब कुलचा डाल देती हूँ। साइड साइड में इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे चारों किनारे में, इसको कवर करके पकने देंगे। पानी डालने से ये होता है कि बढ़िया फ्लफी होता है, इसको क्या है फ्लफी होने में हेल्प मिलती है पानी डालने से। अब इसको हम सेकने देंगे बढ़िया से। अब इसको दूसरे साइड से भी पलट देते हैं। वाह देखिए कितना बढ़िया फूल गया है ये। इधर साइड भी थोड़ा सा पानी डालेंगे। बस अब इसको ढक देंगे, पकने देंगे थोड़ा। ये बढ़िया सीख गया है। वाह ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब इसके ऊपर घी या बटर लगा लेंगे, दूसरे भी अपने डाल देंगे ऐसे। इसमें भी साइड साइड में पानी डाल देंगे। पकने के लिए इसको बंद कर देती हूँ। ये तैयार हो गया कुलचे और छोले मटर। आप भी घर में बनाइए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइए ये आपको कैसी लगी।